बारिश से सब्जी व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। जालौन जनपद के कोच में रात से झमाझम बारिश से सब्जी व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जिस उम्मीद के साथ किसान भाई सब्जी की फसल की पैदावार करते हैं, यह सोचकर कि उनकी फसल में ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी, लेकिन इस झमाझम बारिश ने उनके भी मंसूबे फीके कर दिए। बारिश से एक और किसान को लाभ हुआ, सब्जी की पैदावार ज्यादा हुई, लेकिन उसे तोड़कर मंडी में बेचने के लिए लाए, पर बारिश ने उन्हें मायूस कर दिया। खरीदार ना होने की वजह से उनकी सब्जी औने पौने दामों में बिकी। इसी बीच व्यापारियों ने भी बाहर की मंडियों से हरी धनिया, मिर्ची, टमाटर, गोभी आदि माल मंगवाया था, उनको भी बारिश की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से लोग घरों में दुबके रहे। तो बारिश में बहुत नुकसान है, 40-50 हज़ार का नुकसान। कहाँ से माल मंगाया था आपने? हमने इंदौर से आया है, झांसी से आया है। क्या क्या माल मंगाया था? गोभी, धनिया, मिर्ची, टमाटर। लगभग बारिश की वजह से कितना माल आपका बर्बाद होकर फेंक गया है? पूरा धनिया फेंक गया है, कम से कम धनिया 30 हज़ार का धनिया फेंक गया है, गोभी फेंक गई है, टमाटर फेंक गया, हर चीज बेकार हो चुकी है। कुल मिला के किसानों का माल बिका ही नहीं, नुकसान पूरा ही पूरा रखा है। जो किसान लोकल के हैं वो सब्जियां लगाए हुए हैं, पहली बार तो बड़े मुश्किल से उन्होंने तोड़ पाई, तोड़ने के बाद लेने वाला कोई बाजार में मिला ही नहीं, और उनका माल आज बिका नहीं है। उनके पर्चे, जब माल नहीं बिका तो पर्चे का बात ही खत्म होती है। नुकसान तो बहुत भारी हुआ है इस बारिश से, कल से बराबर बारिश, धुआंधार बारिश हो रही है, इसमें माल के बहुत नुकसान है। जैसे गोभी फेंक रही है, टमाटर है, बैंगन है, कोई उठान वाला नहीं है, ढाके नहीं निकले हैं घरों से।